मुरैना जिले में स्थित पोरसा तहसील में मुक्ति धाम बना अध्यात्म एवं सौंदर्य का प्रतीक। इसे सत्यम शिवम सुंदरम कहें या औषधि उपवन कहें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसी भी तहसील स्तर पर इतना सुंदर मुक्ति धाम असंभव है। आंखों को यकीन नहीं होता कि शमशान भी इतना अलौकिक हो सकता है, लेकिन नागाजी मुक्ति धाम का यह दृश्य सभी धारणाओं के विपरीत हो गया है। सन 1992 में की गई शुरुआत की पहल एवं हजारों लोगों को साथ लेकर वृक्षारोपण प्याऊ रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया, जिसकी झलक आज अद्भुत मनोहारी अकल्पनीय पर्यटक औषधीय वन और पंछी वन बन गया है। यह मुक्तिधाम सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पर बनाया गया है। यहाँ समय समय पर दीपदान महोत्सव, महारात्रि, महाशिवरात्रि, होली महोत्सव, वृक्षारोपण, विश्व योग दिवस पर सांस्कृतिक सामाजिक हरियाली महोत्सव सहित विभिन्न आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुक्तिधाम में कब से सेवा कर रहे हैं और आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर, नगर पालिका स्वच्छता मिशन कोसा, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, पोरसा मुक्तिधाम को 26 साल से निरंतर लगातार सेवा दे रहे हैं और इस पोरसा मुक्तिधाम को सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पर बनाया है। यहाँ पार्थिव शरीर पर आने वाले सब यात्री को वहाँ वृक्षारोपण में वृक्षों की छाया में रखना, लकड़ी कंडा की प्रदाय करना, डेड बॉडी फ्रीजर रखे हुए हैं और जितनी भी पार्थिव शरीर में लगने वाली सुविधाएं पोरसा मुक्तिधाम पर उपलब्ध हैं। पोरसा मुक्तिधाम में औषधि वन बनाया है, टेरिस गार्डन बनाए हैं, पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए गैलरी बनाई है, ओम बनाए हैं, त्रिशूल, स्वास्तिक, माँ जैसी आकृति डाली है, जिराफ, गाय, हाथी, झरना, फुब्बारे, ऐसी ऐसी डिजाइनिंग बना के दी है जिससे लोगों को यहाँ आने में भय नहीं लगे, एक मन को सुकून महसूस हो और अंधविश्वास कम हो, ऐसी अपनी मन की भावना को लेके चले। और हरियाली महोत्सव, दीपदान महोत्सव, होली मिलन समारोह, जन्मदिन और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ सुबह योग होता है, बच्चों के लिए फिसल पट्टी है, नाना प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसके बाद 7.5 लाशों का दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया, फिर उनको अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन किया। विसर्जन के बाद कन्या भोज किया जिससे कि उसको पूरा मोक्ष मिले। इस तरह की योजनाएं अपन करते हैं। गोरमी, महंगाव, गोवर, अंबा और अन्य नगरों में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग यहां से प्रेरणा ले रहे और लेआउट ले जाते हैं। और अभी अभी भांडेर के अध्यक्ष महोदय ने भी पोरसा मुक्तिधाम का लेआउट मांगा है, उनकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और यह जनप्रति